हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन हाय, आई एम अंजलि और इस चैनल पे हम बात करते हैं फैशन, स्किन केयर, लाइफस्टाइल एंड लाइफ इन जनरल। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर जाइएगा। एंड आई थिंक इंट्रो ख़त्म हो गया, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो रिसेंटली अभी मैं जयपुर गई थी अपनी फैमिली के साथ में वेकेशन पे, एंड समबडी टोल्ड मी दैट जयपुर दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला तो इसके किले और दूसरा कलाकारी। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जयपुर में बहुत ज़्यादा जूतियों का काम होता है, बहुत सुंदर सुंदर जूतियाँ मिलती हैं। एंड द शॉपोहोलिक इनसाइड मी, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 पेयर ऑफ जूतीज लिए हैं वहाँ से। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं जूतीज का हॉल देखने वाले हैं। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा है मेरा पहला पेयर ऑफ शूज़। सो जो पहली जूती मैंने ख़रीदी है वो ये ब्लैक कलर की जूतीज़ हैं, इफ़ यू कैन सी देम। इसमें ना बहुत सुंदर सी कशीदेकारी का काम हो रखा है, थ्रेड वर्क है। सबसे पहली लाइन जो है वो रेड कलर के थ्रेड से करी हुई है, एंड देन वी हैव गोल्डन कलर एंड थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का है। अगर हम सोल की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे इसका सोल। यहाँ पे थोड़ी सी कुशनिंग भी दे रखी है, तो जब मैंने इसको पहन के ट्राई किया था तो उस टाइम पे भी एक होता है ना कि आपको थोड़ा सा चुभता है या अनकंफर्टेबल फील होता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड भैया बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहती हैं, बिकॉज एंड आई कैन सेंस दैट एज वेल। इसका जो सोल है वो भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक कलर का इसका सोल है। एंड यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यहाँ इन्होंने छोटे छोटे से स्ट्राइप्स दे रखे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं होंगी डेफिनेटली। एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा 5-10 मिनट चल के भी देखा था शॉप पे, तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रही थी टाइल्स के ऊपर। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे इफ़ यू सी, यहाँ पे छोटी छोटी सी ये पट्टी लगा रखे हैं इन लोगों ने, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, इट्स नॉट ज़्यादा चुभ नहीं रही थी पैर में। एंड गेस द प्राइस, आई जस्ट गॉट इट फॉर 250 रुपीज़। कैन यू इमेजिन 250 रुपीज़ में इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जयपुर में ही मिल सकती है। ऑनलाइन अगर आप देखने जाओगे तो आपको 500-600 से कम में नहीं मिलेगी फॉर श्योर। एंड जो इसका धागे वाला काम है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप थोड़ा बहुत भी उसको स्क्रैच करके देखोगे तो बिल्कुल भी धागा निकल नहीं रहा है, काफ़ी ड्यूरेबल है। एंड अगर मैं इसको 5 में से रेटिंग दूँ तो डेफिनेटली इट डिज़र्व्स अ 5, क्योंकि पहनने के बाद भी अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं क्लिप्स ऐड कर दूँगी, पहनने के बाद पैर पे बहुत सुंदर लग रही है। आप चाहें तो इसको साड़ी के साथ में, सूट के साथ में, इवन जीन्स के साथ में कॉलेज में पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा और यूनिक सा पीस लगा मुझे। एंड ब्लैक कलर है, ब्लैक तो सब पे चल जाता है। अलॉन्ग विद दैट इस पर जो थ्रेड वर्क है वो डिफरेंट कलर्स का है, तो उस कलर के कुर्ती के साथ या उस कलर के टॉप के साथ भी आप ईजिली पेयर कर सकते हो। सो डेफिनेटली मुझे तो बहुत पसंद आई ये वाली जूती। तो टन, ये गोल्डन कलर की जूती टाइप की हील्स हैं, पूरे पे ग्लिटर वर्क किया हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो ग्लिटर वर्क है, इधर साइड पूरा ग्लिटरी और चमचम वाला काम है, पार्टी के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। एंड इसमें ना मुकेश का भी काम किया हुआ है, और मुकेश का वर्क जो है इस पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने बस हाथ लगाया और मुकेश निकल गया। आई कैन शो इट टू यू, सी यहाँ पे छोटा छोटा सा गोल्डन मुकेश का काम कर रखा है इधर साइड में। एंड इफ़ आई स्क्रैच इट अप तो भी निकल नहीं रहा है, बहुत अच्छे ग्लू से आई थिंक स्टिक किया हुआ है, कढ़ाई तो नहीं है बट हाँ अच्छे ग्लू से इन्होंने स्टिक किया, तो ज़रा भी निकल नहीं रहा है। एंड जो कपड़ा इसके ऊपर साइड में लगाया हुआ है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, जब मैंने इसको पहन के देखा था तो काफ़ी कंफर्टेबल था। अलॉन्ग विद दैट साइड्स पे ना इस तरह का ये लेस टाइप की लगाई हुई है जो काफ़ी सॉफ्ट है। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, जो हम बड़ी ब्रांड्स के ब्रांडेड शूज़ वगैरह लेते हैं उनमें ये चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट स्ट्रीट मार्केट में इस तरह की चीज़ होगी मैंने सोचा नहीं था। इन्होंने ना नीचे साइड में यहाँ पे गोल्डन कलर का क्लॉथ लगा रखा है, जिसकी वजह से जब आप इसको पहनते हो तो ज़रा भी शूबा इट नहीं होता है, आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता है। सो इट्स अ रियली गुड पेयर ऑफ हील्स आई वुड से। यहाँ पे हील पे ग्लिटर का काम है, ग्लिटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इफ़ यू सी यहाँ पे, अगर मैं पूरा अच्छे से इसको पूरा खुरीचने की भी कोशिश करूँ तो भी ये बिल्कुल मेरे हाथ पे नहीं आया। सी, बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लिटर इसमें लगा हुआ है। मैं पूछ रही हूँ कि इतना बड़बड़ कर ली, सब कुछ बता दिया, प्राइस तो बताया नहीं। आई गॉट इट फॉर 400 रुपीज़ गाइज,
लिटरली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप इसको पहन के चल नहीं सकते हो. सो आउट ऑफ 5 आई वुड से अराउंड 4 तो रेटिंग डिजर्व करती है ये, बिकॉज अगर आप इसकी हील क्वालिटी देखो तो काफ़ी स्टर्डी है. अंदर का सोल भी थोड़ा सा कुशन लगा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं बट हल्का सा कुशन भी लगा हुआ है. आगे की साइड से भी जब आप पैर डालते हो तो ऐसा नहीं लगता है कि एकदम पैर बिचा बिचा सा हो रहा है, वो चीज़ भी नहीं है. ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल है. जो एक ड्रॉबैक मुझे इसमें लगी वो ये है कि जो इसका सोल है वो ना काफ़ी प्लेन है, थोड़ा बहुत भी कोई पैटर्न या स्ट्राइप्स कुछ भी नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से मे बी आई हैवंट ट्राइड दैट मे बी थोड़ा वो टाइल्स पे स्लिप कर सकती है, तो थोड़ा सा मुझे कॉशियसली इसको पहनना पड़ेगा. बाकी आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है. आई वुड से पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा एक पेयर है, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड मोस्टली साड़ीज सूट्स के साथ में लहंगास के साथ में बहुत अच्छा लगने वाला है. सो गुड बाय. ओके सो जो नेक्स्ट पेयर है वो काफ़ी कैजुअल सा है, अगर आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो तो आप उसे आराम से पहन सकते हो. ये मैंने लिया है इस तरह की रेड और आई वुड से ऑरेंज और रेड का जो मिक्स होता है ना, टमाटो रेड, उस कलर का है एंड इट्स रियली रियली कम्फर्टेबल. मैं दिखाती हूँ इस तरह से ना, ब्राउन कलर का इसका ये है, कुशन वाला सोल है, हल्का सा कुशनिंग हो रखी है पूरा अंदर तक. इवन यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे भी हल्की सी कुशन दे रखी है. सो जब आप इसमें अपना पैर डालते हो तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. एंड इसके जो ऊपर साइड में है इस तरह का लखनवी कढ़ाई जैसे होती है ना, लखनवी सूट्स पे जो कढ़ाई होती है वाइट कलर के थ्रेड से, वैसी इस पर कढ़ाई कर रखी है. मैं पास से दिखाती हूँ, इस तरह की कढ़ाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कढ़ाई है एंड बहुत प्यारा लगता है. कैजुअल वेयर में आप इजीली पहन सकते हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका अगर आप सोल देखोगे, सोल बहुत ज़्यादा स्टर्डी लगा मुझे. एंड जो हमने पहली गोल्डन हील्स में देखा था कि एकदम प्लेन था उसका सोल और थोड़ा सा स्लिपरी का चांस था, बट इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसमें छोटे छोटे से पैटर्न दे रखे हैं, मैं दिखाती हूँ, इस तरह के पैटर्न इसमें दे रखे हैं, जिसकी वजह से ना जब आप इसको कहीं पे भी पहनोगे, इवन टाइल्स पे या थोड़े से स्लिपरी सरफेस पे भी आप पहनोगे तो फिसलने का कोई टेंशन नहीं रहेगा. बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है इस तरह के पैटर्न्स अगर सोल पे बने हुए होते हैं. एंड प्राइस 250 रुपीज़, लिटरली 250 रुपीज़ गाइज, और बहुत कंफर्टेबल है. आई वुड से जो ब्लैक वाली हमने जूतीज देखी थी उससे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे ये लगी थी, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड पहनने पे लग ही नहीं रहा था कि मैंने चप्पल पहन रखी है. आई वॉज एबल टू वॉक ईजीली और बहुत अच्छे से मैं इसको कैरी कर पा रही थी, जीन्स के साथ, प्लाजोज के साथ, इवन जो आजकल सिगरेट पैंट्स चल रहे हैं उनके साथ ईजिली इनको पेयर कर सकते हैं. ऑफिस में, गेट टुगेदर्स में, अगर आप कॉलेज जा रहे हो या मार्केट ही जा रहे हो तो आराम से इस तरह के स्लीपर्स को आप कैरी कर सकते हो. ओके सो जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेयर है वो है ये प्यारी सी चप्पल्स. जूतीज तो नहीं कहूँगी मैं, बट ये चप्पल्स हैं, बहुत बहुत सुंदर काम कर रखा है इसके ऊपर. मतलब हम बस शॉप से निकल ही रहे थे उसके सामने से एंड मैंने इनको देखा एंड आई वॉज ये ले सकते हैं. सबसे पहली चीज़ जो है इसका हल्का सा ब्राउन कलर का सोल है एंड ऊपर ना इस यहाँ पर इस तरह का मिरर वर्क किया हुआ है. मिरर के साथ में ना छोटे छोटे मोती का काम है, छोटे छोटे जो पॉम्पम्स होते हैं एकदम क्यूट से उनका भी काम है. मल्टी कलर्ड है, किसी भी चीज़ के साथ आप पेयर कर सकते हो, अच्छा लगेगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इसका काम है वो काफ़ी स्टर्डी. आई विल शो यू, यहाँ पे ना इस तरह का मिरर वर्क का काम दिया हुआ है इस पर एंड सी इस तरह के छोटे छोटे पॉम्पम्स हैं, मिरर वर्क है. सो कुर्तीज़ के साथ में कुर्ती और जीन्स अगर आपने पहना है या प्रॉपर कुर्ती सेट भी पहना है तो भी बहुत सुंदर लगेगा. सोल भी इसका मुझे काफ़ी स्टर्डी लगा, अगर आप पहन रहे हो तो स्लिप नहीं होगा. सी यहाँ पे इस तरह की लाइनिंग दे रखी है एंड अंगूठे वाला इस पर काम किया हुआ है, अंगूठा इधर आप प्लेस करो और पहनने के बाद में बहुत बहुत सुंदर लग रही थी. आई वुड से क्या बताऊँ, इसीलिए तो मैंने एक नहीं दो नहीं पूरे 10-10 पेयर्स खरीदे हैं. बहुत अच्छी चप्पल लगी मुझे,
अगर हम सोल की बात करें तो वो उतना ज़्यादा कुशनिंग वगैरह नहीं है, बट स्टिल ऐसा भी नहीं था कि आप पैर रखोगे तो पत्थर पे रखा है, ऐसा फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। ऑल दो कुशनिंग नहीं है यहाँ पे, अगर मैं प्रेस करूँगी तो कुशनिंग बिल्कुल फील नहीं हो रही है, बट स्टिल पहनने के बाद में मुझे कम्फर्टेबल लगा। ये मैंने परचेज़ किया था 350 रुपीज़ का। सो ओवरऑल अगर हम देखें जितना भी अभी तक अंडर 400 ही सारे पेयर्स हैं, एंड या दैट्स इट। आई थिंक वी हैव कवर्ड अराउंड 4 pair ऑफ जुतीज एज ऑफ नाउ, एंड पार्ट 2 में मैं आपको बाकी की जुतीज भी दिखाऊंगी। आई होप आप सभी को ये हॉल पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा पेयर ऑफ शूज़ कौन सा लगा और आप किस तरह के शूज़ खरीदना पसंद करना चाहेंगी इस हॉल में से। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय।